ई एस एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू आवर इनिशिएटिव अभ्यास टू पॉइंट टू हमारा ये इनिशिएटिव एक्सक्लूसिवली एच एस फिल्म के लिए हमने लॉन्च किया है एच एस प्रलिम्स जो कि इलेवंथ फेबररी को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को कंडक्ट होने वाला है एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन उसके लिए बहुत अच्छी जा रही होगी एंड यू आर सीरियसली प्रिपेरिंग फॉर इट एज वेल तो विद दिस लेट स्टार्ट आवर वीडियो आज अपनी वीडियो है पॉलिटिक्स रिलेटेड आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी फिल्म में जब पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं आई हैव टेकन दोज बिकॉज दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इट कुड बी आस् स्ट्रेट अवे इन यूर एग्जाम एज वेल डायरेक्टली आपसे सीधा का सीधा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है अदरवाइज कंसेप्चुअली भी टॉपिक्स को समझने के लिए भी ये बहुत अच्छे और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फॉर यू सो विद दिसट स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट स्टार्ट आवर इनिशिएटिव अभ्यास टू पॉइंट ओ ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन Thus consider the following statements. The speaker of the legislative assembly. The speaker of the legislative assembly. Uh, just let me change the color. Shall vacate his or her office if she or he if he or she ceases to be a member of the legislative assembly. Okay. Second option. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her seat immediately. Okay. तो इसके अंदर हम देखते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं यहां पर हमसे क्या पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन और टू ओके आप इस वीड बिकॉ बिकॉज आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इसका प्रोटोकॉल बताता हूँ मैं आपको वीडियो का प्रोटोकॉल कैसे चलेगा आपको वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है एंड देन कंटिन्यू राइट आपको रामायण की तरह नहीं देखते हुए जाना थोड़ा खुद सोचना है हमेशा क्वेश्चन को पहले खुद सोचिए उसका आंसर कीजिए सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए याद रहे ओके बट आई विल कंटिन्यू

तो एट द सेम टाइम वो एमपी नहीं रहेंगे और उनको स्पीकर वाली अपनी वो भी छोड़नी पड़ेगी स्पीकर शेल इमीडिएटली नो दिस इज इन करेक्ट बिकॉज अगर लेजिस्टिव असेंबली डिजोल्व हो गई तो जब तक न्यूअसेंबली नहीं बनती तब तक वहां पर जो सेशन चलेंगे टेम्पररी जो सेशन चलेंगे तब तक स्पीकर कंटिन्यू करता है जैसे ही नई असेंबली आएगी तब प्रोटेम स्पीकर आएगा प्रोटेम स्पीकर एक दिन के लिए रहेगा ही विल वो हेल्प करेंगे नया स्पीकर इलेक्ट करने के लिए और जैसे नया स्पीकर आ जाएगा फिर अगली सेशन चलता रहेगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए वन ओनली आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसे स्पीकर से रिलेटेड तो इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको एक चीज और पता लगी पार्लियामेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एच के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्पीकर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग पार्लियामेंट्स

से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं ओके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर्स गवर्नमेंट ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक बार फेडरल लेजिस्लेचर गवर्नर जनरल प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके अंदर जो मेजर एक प्रोविजन था वो था द दस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी ऑल दो बनी नहीं थी और इसके साथ साथ तीन लिस्ट भी इंट्रोड्यूस हुए थे इसीलिए वन फेडरलिस्ट जो आज की डेट में आप सेंट्रलिस्ट की तरह उसको एनालॉगी कर सकते हो फर्स्ट सेंट्रल फेडरलिस्ट सेकेंड वॉज वॉट वॉज द सेकेंड वन द सेकेंड वॉज प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट तो आज की डेट में आप स्टेट लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं एंड थर्ड वॉज द कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड वॉज द कॉन्करेंट लिस्ट आज की डेट में जो सेवेंथ शेड्यूल में अपनी तीन लिस्ट है कुछ कुछ इसी टाइप से ही है और इसके अलावा इसके अलावा जो भी रेजिडरी पावर्स, पावर्स बच गई रेजिडरी पावर्स बच गई वो किसको दे रखी थी वो दे रखी थी वाइस रॉ या फिर गवर्नर जनरल तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी बट आज की रेट में अगर आप देखो तो रेजिडरी पावर्स किसके पास है रेजिडरी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल वॉज रेजिडरी पावर्स तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू मेक अ नॉट ऑफ इट इसको याद रखेंगे ध्यान रखेंगे इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाकी रिमेनिंग प्रोविजंस भी लाइक की आई थी डायरेक्ट प्रोविंस डायरेक्ट सेंट्रल लेवल आई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे के सारे यहाँ याद रखेंगे इनफेक्ट यूपीएससी की जो फॉर्मेशन है एक स्टेट पी की जो फॉर्मेशन है वो भी यहीं से कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका फॉर्मेशन का राइट सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी राइट सो आंसर क्या था इसका बी ओके okay. नाउ दिस क्वेश्चन वज अबाउट राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑल एड ट्वेंटी स्वामी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात हुई थी जहां पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था एंड इट वॉज डिक्लेयर अंडर वट आर्टिकल वहीं बताना है आपको दॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अब स्टेटमेंट ऑप्शन हैं आपके ए आर्टिकल फोर्टीन which is the part of right to equality and provisions under the 42nd amendment to the constitution okay then article 17 and the directive principle of state policy in part 4 then article 21 and the freedoms guaranteed in part 3 okay and then article 24 and the provisions under the 44th amendment to the constitution so the correct answer for this question will be option c राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी इंट्रेंसिक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल ट्वेंटी बड़ा आर्टिकल है राइट इसके अंदर काफी सारे जो इम्प्लिसिट फंडामेंटल राइट उन्हीं से एक राइट टू प्राइवेसी के अंदर पुट्टा स्वामी केस के अंदर, के अंदर, के अंदर, के अंदर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी लिबर्टी के अंदर इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट राइट विथ दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी इस पर तो इनफैक्ट यूपीएससी ने दो तीन बार पूछा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन फोर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइन शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है जमेंट कैन बी मेड ऑन इटॉ स्टेटमेंट इज और टू ओनली बोथ या फिर नाइदर अच्छा क्वेश्चन है नाइन्थ शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है तो इसको एक एक करके देखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया केन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉन्न द नाइन्थ शेड्यूल डेफिनेटली नाइन्थ शेड्यूल क्यों बना था नाइन्थ शेड्यूल इनिशियली जब बनाया गया था तब उसके अंदर था कि कुछ पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग कुछ जो भी एक्ट अगर आप नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल रहे हो जब ये फॉर्म हुआ था जब इनिशियली इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही इनफैक्ट नाइन शेड्यूल को कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है कुछ बेसिकली कुछ वैलिडेशन ऑफ लैंड एक्ट है जो इसके अंदर डाले गए थे प्रोविजन उस टाइम क्या था कि जो भी चीज नाइन्थ शेड्यूल में आपने ऐड कर दी उसके ऊपर कोई जुडिशियर रिव्यू पॉसिबल नहीं था उस पर जुडिशियरी कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती थी बट 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 इन द आई आर कोलो केस In the I. R. Kohelho case of 2007. It was clearly declared that judicial review is a part of the basic structure of the constitution. Judicial review, basic structure ka part. So judicial review cannot be infringed on anything. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज के ऊपर जुडिशियल सबके ऊपर पॉसिबल है ये साफ साफ कोहेलो केस के अंदर बोल दिया गया था दैट इज द रीजन कोहेलो केस के अंदर फिर क्या बोला गया था कि नाइन्थ शेड्यूल जो है आपका नाइन शेड्यूल के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है बट एक प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली केशवानंदा भारती के से पहले यानी कि ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवनटी थ्री ट्वेंटी फोर्थ अप्रिली थ्री इससे पहले के जो भी केसेस होंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा सॉरी उन, उनके उससे पहले जुडिशियल नहीं होगा इन इस डेट के बाद वाले जो भी केसेस केसेस या इन द सेंस जो भी चीजें शेड्यूल के अंदर ऐड करी गई होंगी उन सब के ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा बट इससे पहले वाले पे नहीं होगा यह बोला गया था साफ साफ कोहेलो केस के अंदर तो विद दिस आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है यह क्या हो जाएगी इनकरेक्ट बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है जजमेंट कैन ऑल्सो बी मेड ऑन इट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन था नाइन शेड्यूल के ऊपर आई होप आपको नाइन शेड्यूल के बारे में पता लगा से राइट नाइन शेड्यूल से एच का तो फेवरेट टॉपिक है एच बहुत पूछता रहता है बेसिक स्ट्रक्चर से नाइन शेड्यूल से कोहलो केस इन सबसे बहुत बार पूछता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शेल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द governor of a state in any court during his term of office.

दोनों को इम्यूनिटी मिली होती है इन इनपे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते जब तक ये गवर्नर या प्रेसिडेंट है बिकॉज वो उसी बिहाफ पे वो एक्ट ले रहे होते हैं अपना पर्सनल कुछ नहीं होता इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब बिहा ऑफिस मिला है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं ऑल एंड ऑल कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती गवर्नर के लिए भी प्रेसिडेंट के लिए भी सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हो आप उसके लिए भी दो महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा पहले उन दोनों को ओनली देन यू कैन प्रोसीड राइट तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट देन इमोलिमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग बिल्कुल इमोल्यूमेंट्स वगैरह जब उनकी जब ऑफिस के टाइम जब उनको गवर्नर नियुक्त कर दिया गया गवर्नर उनको अपॉइंट कर दिया गया तो जब तक उनकी टर्म चल रही है उस टाइम तक कोई इमोलिमेंट अलाउंस डिमिनि नहीं कर सकते जो मिली है जो डिसाइडेड है वही मिलेगा उनको तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी राइट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी लॉ और लिबर्टी में इनमें से कौन सा सबसे एग्जैक्ट रिलेशनशिप डिक्लेयर करता है फर्स्ट ऑप्शन इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर तो आउट ऑफ दिस फोर लॉ और लिबर्टी के अंदर क्या रिलेशन होगा बेसिकली लिबर्टी को आप अभी सिंप्लिसिटी के लिए इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई आपको कुछ करने की आजादी मिले और लॉज आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आते हैं तो दोनों में को है बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक लॉ आपको लिबर्टी के लिए बिल्कुल भी लॉज नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो के मच जाएगा हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो चीजें सही नहीं चलती सिस्टमेटिक नहीं चलती आप अपनी लिबर्टी भी तभी एंजॉय कर सकते हो जब एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सब सब फॉलो कर रहे हो अगर लॉज अच्छे ढंग से रेशनल लॉज है रेशनल लॉज़ लॉजिकल लॉज है सारे के सारे उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सारी अपनी लिबर्टी भी अपनी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे ओनली देन इट विल बी पॉसिबल तो अकॉर्डिंगली द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज विल बी ऑप्शन बीज बिकॉज इफ देर आर नो लॉज देन देर इज नो लिबर्टी एज वेल लॉज एंजॉय लिबर्टी तो सबसे अप्रोप्रिएट इसमें से कौन सा बनेगा ऑप्शन बी

प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो एमपी की जो वोट की वैल्यू है दोनों इक्वल है चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ इच एमएलए स्टेट ओके जो वोट की वैल्यू है वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती रहती है उससे क्या फॉर्मूला है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ये वोट की वैल्यू होएगी हर एक एमएलए की जितनी वहां की पॉपुलेशन होएगी उसके बाद जितनी सीट्स अलॉटेड है उनको राइट इसके सेंटर के लिए जितनी सीट्स अलॉटेड होंगी सी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट असेंबली के जितने नंबर इलेक्टेड होंगे जितनी सीट्स होंगी उससे डिवाइड करोगे तो आपकी एक एमपी इसकी वैल्यू वोट निकल के आएगी एमएलए की और वो हर स्टेट के साथ डेफिनेटली वेरी करेगी बिकॉज पॉपुलेशन का और नंबर नंबर्स का जो नंबर है, है वो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट निकल के आएगा राइट तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए वन ओनली आई होप चीजें समझ में आई होंगी तो आपको यहाँ से क्या निकल के आता है कि आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है यू नीड टू नो हु फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता लगाना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बेसिकली पार्टिसिपेट कौन कौन करता है कौन इलेक्टर्स है कौन कौन वोट करता है और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट भी आपको पता होना चाहिए इम्पीचमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट यू शुड नो हु प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रुटिनाइजेज एंड रिपोर्ट टू द हाउसेज

जो है इंग्लिश एजुकेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई इंडिया के अंदर हाउ मेनी इसमें से कौन कौन उससे रिलेटेड है कौन कौन से प्रोविजन है कौन कौन से एक्ट एक्ट्स कौन कौन सी कमिटी फर्स्ट ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन राइट देन जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एटीन ट्वेंटी थ्री देन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस कॉन्ट्रोवर्सी ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप कंसीडर कर सकते हो बट यहाँ पर जो एक्ट पूछे हुए हैं दैट इज द रीजन वाई इट चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन का नाम यहाँ पर आया है तभी मैंने इसको पॉलिटी में इंक्लूड करा है बट आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो जहाँ पर आपको जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर वो कैसे कैसे डेवलप हुआ कौन कौन सी कमिटीज़ हैं कौन कौन से एक्ट्स पास हुए हैं इसके लिए और आज का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं ये सारे के सारे प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए अपने एग्जाम के लिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी हिस्ट्री एनवायरमेंट साइंस एंड टेक राइट इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है डू प्रिपेयर दिस किसी को भी नेगलेक्ट ना करना करंट अफेयर भी डेफिनेटली प्रिपेयर करने है बट स्टैटिक तो खासकर अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है राइट right? तो कैसे उस वो आपको असल में बहुत हेल्प करेगा ओके नाउ एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी ऑल

एक्चुअली में हुआ नहीं था ऐसा कुछ Then, General Committee of Public Instruction, 1823, जनरलिस्ट एंड एंग्लिशिस्ट क्या थे Englishist थे जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे एंग्लो इंडियंस और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो अपनी को कर रहे थे। and finally, कौन जीता था

लोकसभा इस क्वेश्चन को वैसे एलिमिनेशन से भी किया जा सकता था राइट तो पहले एक बार एलिमिनेशन वाला ऑप्शन ही ट्राई करके देख लेते हैं अगर हम इसके अंदर सीधा थर्ड ऑप्शन पे आए ना

बट यहां पर क्या नंबर है सेवेंटी फाइव तो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट तो जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शन बचता है खाली फर्स्ट टाइम ये दिस इज करेक्ट एब्सल्यूटली करेक्ट एंड इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपजिशन वर्स्ट स्वतंत्रता पार्टी करेक्ट जो अपनी बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाली पोस्ट इंडिपेंडेंस वहाँ पर ये दोनों फैक्ट क्लियरली गिवन है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ से ये यह पता लगता है कि हमें वो भी प्रिपेयर करनी है एक बार प्लीज काइंडली गो थ्रू दैट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं जस्ट गो थ्रू दैट बुक एज वेल राइट बिकॉज ईच एंड एवरी मार्क एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो विदीड राइट सी स्टेटमेंट टू इज करेक्ट फॉर यू अभिमन्यू आई एस ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली एच सी एस की लॉन्च कर दी है, की टेस्ट सीरीज, जो मोक टेस्ट सीरीज है उसकी इंपॉर्टेंस आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई अपनी जगह होती है लेकिन उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है दट यू नीड टू नो हाउ टू अटैम्प्ट एग्जाम हाउ टू एक्चुअली अटैम्प्ट रियल एग्जाम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपे मोक टेस्ट सीरीज तो जब तक आप मोक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली इनकम्प्लीट है और आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम स्पेसिफिकली अभी मनी इसने एच एस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जस्ट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ सिक्स हंड्रेड वेर यू विल बी गेटिंग ट्वेंटी सिक्स टेस्ट आउट ऑफ विच फोर सी सेट टेस्ट विल बी देयर कंप्लीट सी सेट देल सी देन द रिमेनिंग रिनिंग सेक्शनल टेस्ट सारे के सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है और द मेन द मेन यूएसपी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज यहां पर आपको प्रॉपर एक एनालिसिस मिलेगा वेर यू विल बी गेटिंग टू नो देर वीक एरियाज आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे कहां पर हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है कहां पर नहीं जब तक वो नहीं है तो कोई टेस्ट सीरीज का मतलब भी नहीं बनता प्रॉपर एनालिसिस नाउ बनताज इज द ऑफ गिविंग द टेस्ट राइट विद दिस आई विल सीरियसली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज द रजिस्ट्रेशन लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कोई भी क्वेरी है तो सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं मनी इज देयर विद यू ऑल द टाइम and with one last thing i wish you good luck best of luck your future endeavors as well until our next video take care and bye bye thank you